IDA 24-7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and HSE exams. View, study, and prepare anytime and anywhere now, government job in your pocket. करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा हेलो एंड वेलकम टू द कर्ज अफेयर्स बेस्ड ऑन द हिंदू एंड आई एम कुश पांडे वाई वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स एंड कमिंग टू द ऑफिस दिस वर्ड द लाइन दिस वॉज अ सॉन्ग दैट इज वेरी इंस्परेशनल एंड दैट मोटिवेट्स मी स्पेशली आई होप ये सॉन्ग आपने भी सुना होगा एंड विद दिस स्पेशल लाइन्स डेट स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द करंट अफेयर्स फ्रॉम द लीडिंग डेली ऑफ इंडिया दैट इज द हिंदू यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हर बार की तरह इस बार भी ऑल द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इस पर्टिकुलर पेपर में नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टू ऑल द पीपल हु आर न्यू और हु हैव जॉइंड प्रीवियस वीक वेल इन दिस शो वी डिस्कस द हेडलाइंस Then we discuss about them in the static shots and in the Hindu shots and then we play a quiz on all the headlines and also the rapid fire as well. I am I am on time and I am on present. I hope everybody is now present as well is particular show okay, and that. शुरू करने से पहले लेट्स हैव फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूज़ मेकर्स कि वो न्यूज़ मेकर्स कौन कौन से हैं एंड फिर हम आपको दिखाएंगे कि वो पेज नंबर्स कौन कौन से हैं सो लेट्स शो यू द न्यूज़ मेकर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ग्रैंड ओल्ड पार्टी द ग्रैंड न्यू पार्टी माफ कीजिएगा द आम आदमी पार्टी दैट इज़ एंड हिज़ एम एल ए कमिल कपिल मिश्रा हुज़ कम टू ब्लोज इन डेली असेंबली वेल दैट इज़ एन इवेंट दैट इज़ अगैन अ गोसिप दैट इज़ अ न्यूज़ बट इन एग्जामिनेशन ये सवाल आपका कहीं पर भी नहीं आएगा सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ सीज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रिजॉल्व अयोध्या इशू अगैन इट्स अ इम्पेरेटिव इशू इट्स अ इम्पॉर्टेंट इशू बट दिस इशू अगेन बिकॉज इट्स बिकॉज इट इज़ अंडर कॉन्ट्रोवर्सी सिंस वेरियस ईयर्स यहाँ पर भी आपका सवाल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा थर्ड पे आते हैं वेल दिस मैन ऑफकोर्स वेन एवर यू सी हिज फेस रिमेंबर ही इज मेकिंग हेडलाइंस एंड ही इज़ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी हु हैज मेट रॉय हु इज द स्पैनिश हेड एंड दे हैव एंड एंड द स्पे फर्म हैज एंड ही हैज इन्वाइटेड स्पेनिश फर्म्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया सो इससे पहले वो गए थे जर्मनी अब वो गए हैं स्पेन तो वहाँ पर भी जाके वो डिस्कशन कर रहे हैं एंड एंड हीज ऑल्सो ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एंड ही इज ट्राइंग टू मेक ऑन

कौन से हैं आज हेडलाइंस कंपैरेटिवली मॉडरेट हैं बहुत ज्यादा हेडलाइंस नहीं हैं एंड आज बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी यहां पर नहीं है सो लेट्स हैव यू लेट्स शो यू द हेडलाइंस वन थ्री इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड सिक्सटीन ऑन इलेवन वी हैव थ्री हेडलाइंस ऑन टवेल्व वी हैव टू हेडलाइंस एंड रिमेनिंग वी हैव अ सिंगल हेडलाइन वापस स्क्रीन पर एक बार आ जाए आ, कल कुछ हेडलाइंस मिस हो गई थी उसको हम फिर से अपलोड कर देंगे आज ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो टू नॉट वरी एट ऑल यी वुड अपलोड द वीडियो ऑफ द मिसिंग पोर्शन जो कि कल हमसे रह गया सा तो आप मुझे बताइए आर यू ऑल रेडी नाउ फॉर द डिस्कशन ऑफ द न्यूज पेपर दैट इज द हिंदू इफ यू ऑल आर रेडी यू कैन टाइप इन येस सर वी आर डी तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा ऑफ द हिंदू न्यूज पेपर एंड लेट्स डिस्कस पेज नंबर वन सो एवरीबडी बी ऑन पेज नंबर वन ऑन पेज नंबर वन देर इज अ न्यूज़ वेल दिस इज नॉट अ गुड न्यूज अ गुड फोकास्ट अ गुड गुड खबर फॉर द इंडियन पीपल बिकॉज इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रिसर्च इट्स ओन रिव्यू इट्स ओन मिनिस्ट्री इंडिया इज नो लॉन्गर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी इंडिया जो यहां पर है इंडिया इज नो लॉन्गर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी अब इंडिया के आगे कौन आ गया है ये इंडिया का ही भाई मतलब चीन ही चाइना इज नाउन इज नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड तो यहाँ पर ये इसका एग्जैक्ट आंसर है तो एक बार आपको दिखा देते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि इंडिया हैज़ लॉस्ड इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी टैग इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ टू जीरो विद जी डी पी ग्रोथ पॉइंट वाइल चाइना हैज़ सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट बिकॉज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स कई लोग का कहना है कि बिकॉज ऑफ द डिमोनिटाइजेशन विमुद्रीकरण जो हुआ ऑफ़ फाइव हंड्रेड एंड एंड दौजेंड नोट दैट लेट टू इंडिया दैट दैट लेट टू चाइना रिप्लेसिंग इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनमी जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो ये चीज है जो कि एक दिक्कत की बात तो नहीं पर एक आई ओपनर जरूर है कि बिल्कुल इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ा है ऑफ द डिमोनिटाइजेशन आगे यहाँ देख पाते मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है कि वैसे तो फोर्थ क्वार्टर में सिक्स पॉइंट वन परसेंट है पर अगर हम ओवरऑल बात करें इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल जी डी पी ग्रोथ इन द प्रीवियस ईयर वी हैव सेवन पॉइंट वन परसेंट बट बट इन द ईयर टू जीरो वी है यहां पर तीन नंबर है इसको सुनिएगा ध्यान से इन टर्म्स ऑफ द फोर्थ क्वार्टर और द लास्ट क्वार्टर ऑफ टू जीरो प्रीवियस फिजिकल ईयर इन दैट ईयर वी हैव सीन अ ग्रोथ ऑफ सिक्स वन परसेंट चाइना हैज सीन अ ग्रोथ ऑफ सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट सिमिलरलीफ इफ यू डिस्कस अबाउट दरऑल एनुअल ग्रोथ दैट इज द टोटल ग्रोथ इन द ईयर टू जीरो वन सिक्स वन सेवन तो वहां पर है आपका 7.1 परसेंट जबकि उससे एक साल पहले इंडिया का था 8 परसेंट यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर है

एंड वी हैव द ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द जीवीए जिसे हम कहते हैं द ग्रॉस वैल्यू एडेड वेल एट प्रेजेंट इट इज इट इज नॉट दी बट आई एम होप फुलटन दैट इन द कमिंग ईयर टू कम इन दमिंग क्वार इंडिया वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी दैट इज वॉट इज माई विश एंड एंड आई ऑल्सो होप दैट यू बींग यू ऑल बींग दिटीजन ऑफ द कंट्री ऑल्सो होप सो कि इंडिया एक दिन फिर से एक दिन तो नहीं कहूंगा वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग ध्यान सुनिएगा कि यहां पर चार फैक्टर्स हैं वापस स्क्रीन पर आ जाए तो सुनिएगा ध्यान से द जी डी पी ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्वार्टर इज एट सिक्स वन परसेंट एंड चाइनाज इज एट सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट बट इफ यू डिस्कस अबाउट द ओवरऑल एनुअल ग्रोथ ऑफ टू जीरो वी आर एट सेवन पॉइंट वन परसेंट एंड अर्लीयर दैट इज द प्रीवियस ईयर टू जीरो वी वर एट एट परसेंट

एन जी वी ए इज अ ग्रॉस वैल्यू एडेड आप समझिएगा ध्यान से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स नॉट ओनली द टैक्सेस बट ऑल्सो द सब्सिडीज बट अ ग्रॉस वैल्यू एडिड ओनली इंक्लूड्स द सब्सिडीज एंड नॉट द टैक्सेस आसान सा यहाँ पर डिफरेंस है दोस्तों अलग है पीत सर ग्रॉस डेवलपमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जी डी पी दैट इज द बेसिक ग्रोथ इंडिकेटर जिससे कि किसी देश की विकास दर बिकॉज ऑफ विच वी कैलकुलेट द ग्रोथ रेट दैट इज दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली द टैक्सेज but also subsidies in the national income but in terms of the gva they exclude the indirect taxes in particular and they include the subsidies jo ki yahan par likha hua hai jo ki screen par aap dekh bhi rahe hain अब दिखाते हैं आपको इसी का एक स्टैटिक शॉर्ट्स एंड फिर उसके बाद हिंदू शॉर्ट्स आई होप आप सब स्टैटिक शॉर्ट्स के लिए यहां पर तैयार हैं लेट्स शो यू द स्टैटिक शॉर्ट्स दिस इज अ स्टैटिक शॉर्ट्स गाइस जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस डी आई टी मींस डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज इस फार्मले को याद रख लीजिएगा वेल टू अदर कॉमर्स ग्रेजुएट्स द फॉर्मूला इज डिफरेंट बिकॉज दैट फॉमुला इंक्लूड्स वेरियस मेजर्स पर बैंकिंग एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूले के अलावा यहाँ पर नहीं आएगा प्रमोद कुमार हिंदी में भी हम डिस्कस बिल्कुल कर रहे हैं तो जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है उसका उसके अंदर जो जी प्लस करेंगे हम डी से तो क्या बनेगा आपका जी तो इस चीज़ को यहाँ देख लीजिएगा ये फॉमूला है जी जो है दैट गिव्स अ पिक्चर ऑफ द होल इकोनॉमी वाली जी वी ए गिवस अ पिक्चर ऑफ द इंटिटीज इट कुड बी अ कंपनी इट कुड बी अ गवर्नमेंट इट कुड बी अ हाउस होल्ड इन अदर वर्ड जी डी पी इज़ अ जी वी एफ ऑल एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स फॉर जी वी ए ब्रॉडली रिफ्लेक्ट्स द सप्लाई और प्रोडक्शन साइड ऑफ द इकोमी इस चीज़ को आप कंठस्थ कर लीजिएगा यू हैव टू रिमेंबर अप दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला आई होप यू हैव आई होप दिस पर्टिकुलर हेडलाइन स्टैटिक शॉर्ट्स इज क्लियर ऑफ दिस हेडलाइन दैट इज द इंडिया इज़ नॉट नो लॉन्गर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनमी Now let's show you. Now let's show you the uh, Hindu shorts. Uh, GNP के हम सब discuss करेंगे हम परेशान ना होइए पर अभी हम discuss करेंगे जो हमारे पास है. Let's show you the uh, Hindu shorts. ये e screen पे आपके आ गया. India no longer the fastest growing economy. Is it is at 6.1 percent and uh, the first is China at 6.9 percent in the fourth quarter. In terms of uh, the overall analysis, as per the Ministry of Statistics, 7.1% is for the year 2016-17, while 8% was for the year 2015-16, and the base year is 2011-12, which includes IIP and also uh, WPI as well. So, ये आप screen पर देख रहे हैं. This is what is the data, जो कि extremely important है with regards to the uh, India's GDP in the coming years. सवाल इस पर दोस्तों बना है और बनता रहेगा. इस बात को यहाँ पर आप का ध्यान से बिकॉज ये एक्सट्रीमली यहां पर इंपॉर्टेंट है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टू आर नेक्स्ट डिस्कशन लेट्स लेट्स प्रोसीड नाउ टू टू नेक्स्ट डिस्कशन कम पेज नंबर गाइस स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्सन रिपीट स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर थ्री गाइज दिस पेज इज द नॉर्थ पेज दिस इज़ पेज नंबर थ्री इस पेज पर हम आ गए हैं एंड uh, यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम द फर्स्ट हेडलाइन का इस आपकी स्क्रीन पर दिख भी रही होगी आपको दैट इज पंजाब दैट इज़ अ स्टेट इन इंडिया एंड अ यू एन बॉडी दैट इज यू एन ओ डी सी देव कम टूगैदर दे हैव साइंड एन एम ओ यू द प्रीवियस मंथ टू फाइट ड्रग मेनस वी ऑल हैव

पंजाब ने और यू एन ने एक एम साइन किया है एक समझौता किया है दे हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाएं तो लिखे लिखा भी हुआ है तो पंजाब गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड To collaborate with the United Nations Office on Drugs and Crime, that is UNODC, as a part of its efforts to root out the drug menace in the state. Well, uh, I am a big supporter of Punjab because I am a big fan of Punjabi people because they are brave, those people are uh, full of energy, full of zeal, and if I in, and if I wonder that various of those people are under the drug menace, that uh, breaks my heart. और आगे कर पाए बिकॉज दैट इज अगेन देखिए लिखा भी हुआ है द पंजाब गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कोलाबोरेट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम दैट इज यू एन ओडीसी एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू रूट आउट द ड्रग मैनेस इन द स्टेट क्योंकि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसके लिए यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी साइंड बिटवीन द स्टेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट दैट इज एस टी एफ एंड द यू एन ओ डी सी इन द सेकेंड वीक ऑफ जून ये स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं दिस इज़ अगैन इम्पोर्टेंट अब यहाँ पर स्टैटिक पार्ट की बात करें तो आपका जो यू एन ओ डी सी है इस पर यहाँ पर स्टैटिक पार्ट आपका आ सकता है बिकॉज ये चीज इम्पोर्टेंट है एक सब सवाल आ रहा है यहाँ पर आप स्क्रीन पर आ जाए द क्वेश्चन इज बाय उदेश उद्देश्य वशिष्ठ की बेसिकली वॉट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड एम ओ यू Now, if I and you agree for a particular thing, that is an agreement. For example, if I think Sachin Ramesh Tendulkar is the greatest batsman ever to be born in, in the world of cricket, then, and if you agree to, to, to that point, then that is an agreement. But when two companies Went to organizations. Went to uh, went to uh, countries. Sign on paper an agreement consisting of trade and commerce, consisting of various issues, various sectors. Such an agreement is called as a memorandum of understanding in which they commit.

तो सी एम इज मिस्टर कैप्टन इज कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड डांस दैट इज दैट दैट आई लव दैट इज भांगड़ा एंड गिद्धा दी द टू डांसेज जो कि स्क्रीन पर है राघव कुमार पार्टनरशिप पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर वो डिस्कस करने लग गए तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे सो इट अ रिक्वेस्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस वॉट इज एट हैंड सो ये स्क्रीन पर आपके दिख रहा है पंजाब कैपिटल चंडीगढ़ गवर्नर वी पी सिंह बदनौरे सी एम इज कैप्टन अमरिंदर सिंह डांस जो कि वहाँ का है दैट इज भांगड़ा एंड गिद्धा नाउ लेट्स शो यू द हिंदू शॉर्ट्स जहां पर कि हम बताएंगे आपको यू एन ओ डी सी के बारे में यू एन डॉक नहीं है सर इट इज यू एन ओ डी सी और यह रहा आपके स्क्रीन पर पंजाब हैज साइन एन एम ओ यू विद यू एन ओ डी सी डैट स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इट वट इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी सेवन एंड इट इज हेडक्वार्ट इन वियना ऑस्ट्रिया एंड द हेड इज मिस्टर यूरी सो so, ये है आपका यहाँ पर मैंने मतलब होता है आ, बवाल किया हुआ है इट इज़ इट हैज़ क्रिएटेड अ फ्यूर इट हैज़ क्रिएटेड इट हैज़ क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम फॉर द पीपल ऑफ़ पंजाब जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था एक बार दिखा दें फिर से इन लोग को हिंदू शॉर्ट्स ताकि उसको ये देख पाएं यहाँ पर सर हेडक्वार्टर्स भी लिखा हुआ है मिस्टर दिव्यांशु खुराना वो आप स्क्रीन पर देख सकते भी हैं आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर क्लियर हो गया तो लिख दीजिए येस सर एंड मुझे अच्छा लगेगा आप लिखेंगे कि स्टैटिक स्टार्टिकॉर्ट्स एंड हिंदू शॉर्ट रॉक्स अगर आप वो लिख देंगे डू नॉट राइट बाबा जी रॉक्स यू कैन राइट स्टार्टिंग शॉर्ट एंड हिंदू शॉर्ट रॉक्स मुझे अच्छा लगे ताकि बिकॉज वी आर ट्राइंग रियली हार्ड टू इंप्रूव अपॉन दिस पर्टिकुलर शो चलिए एंड यून ऑल्सो टेल मी हुट भांगड़ा सिंगर फेवरेट पंजाबी सिंगर चलिए आगे बढ़ते हैं आफ्टर पेज नंबर थ्री लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू पेज नंबर इलेवन गाइस यूरी ही इज द हेड यूरी का फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा यूरी इज द हेड ऑफ यू एन ओडीसी बस याद रखिएगा यूरी आपका जो है वो हेड है आपका चलिए बढ़ते हैं ओके नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर इलेवन गाइस नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर इलेवन एंड ये आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा दिस अगेन ऑन यूर स्क्रीन दैट इज द न्यूज पेज गाइस Uh, and this is on page number 11, and it is one of the important pages. Uh, and we start start with this particular discussion. Well, uh, my favorite singer, in, uh, my favorite Punjabi singer is Dil Dil Diljit Dusanj, if that is the correct pronunciation. Chale. Let's come to the first headline, guys. The first headline that we have is India Spain Call for Zero Tolerance to Terrorism. I'll again repeat.

हैप्पी टू मीट हिम दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दे हैव मीट एट दी जरा जुवेला पैलेस इन मड्रिड ऑन वेंसडे ना इसी पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट से आपके यहाँ पर दो से तीन सवाल यहाँ पर बनेंगे यहाँ पर पहला सवाल यहाँ पर बनेगा कि दरा जुवेला पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच विच मोनाकी इन द वर्ल्ड अलग एन पीट सर सवाल बनेगा यहां पर कि जारा जुवेला जार जुवेला पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच मोनाकी इन द वर्ल्ड वहां जो आंसर होगा वहां आंसर होगा स्पेन सिमिलरली हु इज द करेंट किंग ऑफ स्पेन आंसर इज किंग फिलिप सिक्स तो यहां पर दो चीज़ें हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पहला कि ही इज़ ऑन अ विजिट टू स्पेन ही हैज़ मेट फिलिप सिक्स हु इज़ द किंग ऑफ स्पेन एंड किंग ऑफ़ स्पेन रिसाइड्स इन दार चुबेला पैलेस आप में से कई लोग सोचते होंगे कि हमारा भी एक किला होता हमारा भी एक आ, एक महल होता जहां पर हम राजा रहते दैट्स अ गुड थाट दैट यू आर हैविंग चलिए तो अब यहीं पर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है देखिए लिखा भी हुआ है लेट्स कम टू ओके लेट्स लेट्स कम बैक टू द बिजनेस एंड कई लोग कुछ लोग यहाँ डिमांड करेंगे वो शो पर आए तो उनको हम वे लाएंगे इंडिया एंड स्पेन इंडिया एंड स्पेन ऑन वेंजेज ट्रेस्ट दैट देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एंड कॉल्ड ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एंड सेलेक्ट टू एंड सेलेक्टिव और पार्शियल अप्रोचेस इन कम्बैटिंग द व्हिच व्हिच हैज प्रोजेस्ट द वर्ल्ड दैट इज टेररिज्म जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज है बिटवीन इंडिया एंड स्पेन दैट इज पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ये बहुत इंटरेस्टिंग था डेटा है इसको एक बार देख लीजिएगा इसको हम जूम कर दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट इंडियन पी टू टू विजिट स्पेन सिंस नाइनटीन नाइन्टी वापस स्क्रीन पे आ जाए अब इसको इसको देखिए बाबा जी हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर गया का कितने साल बाद करीब 20 से 30 साल बाद कहाँ पर टू स्पेन तो ये स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द फर्स्ट पी एम इंडियन पी एम टू विजिट स्पेन सिंस नाइनटीन नाइन्टी टू अब सवाल यहाँ पर बनेगा कि उन्होंने कौन से बातों पर यहाँ पर डिस्कशन किया तो आइए उसको दिखा देते हैं मोदी हेल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स विद स्पैनिश प्रेजिडेंट मारो रजॉय एट द मोनकुलवास एंडवाइटेड स्पेनिश फर्म्स इन्वेस्ट इन इंडिया विच ऑफर्ड मेनी ऑपरचुनिटीज फॉर दैम इन वेरियस फील्ड्स तो यहां पर देखिये दो पैलेस के नाम आ गए uh, पहला uh, पैलेस का यहां पर जो नाम आ गया वो है आपका दारेला पैलेस एंड सेकेंड पैलेस जो है आपका जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दैट इज द मोनकुलवा पैलेस तो भैया आपके सामने तीन पैलेस आ गए एक था एलिसी पैलेस जो कि मैक्रोन साहब का था इन फ्रांस देन वी हैव द

Uh, बाबा जी एब्सेंट नहीं है बाबा जी थोड़ा लेट है पर ज, जरूर प्रकट होंगे कुछ देर के अंदर सो फाइव एम ओ यूज व साइन बिटवीन टू कंट्रीज दैट इज इंडिया बिटवीन जो कि था आपका ऑगर ट्रांसप्लांटेशन में साइबर सिक्योरिटीज में रिन्यूएबल एनर्जी में सिविल एविएशन में और एक था जो कि इंडिया फॉरन सर्विस इंस्टीट्यूट और डिप्लोमेटिक अकेडमी ऑफ स्पेन के बीच साइन किया गया इसका स्क्रीन आप ले लीजिए जो कि यहाँ पर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मुनाकी का मीनिंग मुझे नहीं पता क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएगा परेशान ना हो भाई सो so, ये फाइव

इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू मरियानो रजॉय करेंसी क्या है इसकी इज यूरो है एंड इट इज दी ओनली यूरोपियन कंट्री टू हैव अ बॉर्डर विद एन अफ्रीकन कंट्री दैट इज मोराको देखिए मैंने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पर बता दी कि इट इज दी ओनली यूरोपियन कंट्री टू हैव अ बॉर्डर विद एन एफ्रीकन कंट्री दैट इज वॉट इज यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है सो नाउ बाबा जी हैज विजिटेड नॉट ओनली द बी बी एम शो बट ही इज ऑल्सो मेड इज प्रेजेंस फेल्ट इन द मॉर्निंग शो अब बचाए सिर्फ आपका स्टार्टिंग चैम्पियन शो उसमें देखते हैं वो कब प्रकट होते

ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन साइबर सिक्योरिटी रिनीबल एनर्जी सिविल एविएशन एंड ऑल्सो एन अग्रीमेंट बिटवीन द फॉरन सर्विस इंस्टीट्यूट एंड द डिप्लोमैटिक अकेडमी ऑफ स्पेन ये दोनों ही अग्रीमेंट्स यहां पर साइन हुए हैं जो कि अगैन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड आई होप ये हेडलाइन आप सबको क्लियर हो गई होगी आपस स्क्रीन पर आ जाए किंग फिलिप सिक्स इज द किंग ऑफ स्पेन Yes, King Philip VI is the king of Spain. I hope the Satan is clear. I will quote one of our fabulous, fabulous aspirants. That is Ajay Kangulkar. India plus Spain is equal to zero tolerance to terrorism. Is equal to Modi uh, meet, uh, meets King Philip VI. Zara's villa palace where he resides. Modi is the first one to visit Spain after 1992. And PM is Mariano Rajoy, the, and he he met them in Madrid, which is the capital. And the currency is euro. It is the only country that is uh, uh, beside an African country that is Morocco.

हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल टेक्स इफेक्ट दैट इज व्हाट इज द इंडिया इंडिया का कोई किंग नहीं है रवीना टंडन जी प्लीज इंडिया का कोई किंग नहीं है बाप रे ओके लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन सवाल यहां पर है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल टेक्स इफेक्ट ना वॉट इज अट्रेटेजिक वॉट इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वेल इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस सेक्टर अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री The private companies, and especially the private companies of India, which are into the defence, do not have proper infrastructure or proper support from the government. So what they are doing is that they have uh, that they have, have symbolised or they have divided uh, they, or they have decided four equipments, four sectors in the defence that would undergo a strategic partnership, in which. एन इंडियन कंपनी स्पेशली एन इंडियन प्राइवेट कंपनी वुड बिकम एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर दैट इज इट वुड प्रोवाइड पार्ट्स फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स लाइक लाइक टैंक्स लाइक सममरी लाइक सिंगल इंजिन जेट्स तो कहा गया है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में द गवर्मेंट ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड द प्राइवेट इंडियन कंपनीज वुड कम टूगेदर एंड द प्राइवेट इंडियन कंपनी वुड प्रोवाइड पार्ट्स हिस्से प्रोवाइड करेगी टू द गवर्नमेंट सो दैट दे फॉर्म इक्विपमेंट्स दे फॉर्म व्हीकल्स लाइक टैंक्स लाइक सबमरीन्स लाइक सिंगल इंजन फाइटर्स जिससे कि भारत की जो कंपनियां हैं उनको और बहुत फायदा यहां पर होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉलरेंस को कहते हैं हम हम कहते हैं टॉलरेंस बहुत अच्छा वर्ड है क्योंकि इसका एक वर्ड है इन उसे कहते हैं असिष्णुता अलग एनपी हिंदी से कहते हैं अशहिष्णुता या फिर एक ऐसा वर्ड जो कि पिछले एक साल से बहुत न्यूज में था ओके okay, सो so ध्यान सुनिएगा कि ये क्या है सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है जिसमें कि एन इंडियन प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट वुड कम टुगेदर उस पर सरकार ने अलाउ कर दिया है चार डिविजन में वो चार डिवीजन क्या है उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे पर यहां पर सुनते रहिएगा चीजें क्या है देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से इसको अगर रूम कर पाए इस पर्टिकुलर पार्ट part को यस yes. The much-awaited and long-delayed strategic partnership policy, intended to promote Indian private sector to participate in defence manufacturing, formally came into effect on Wednesday. So, now this was here effect. That is part number one. Point number two: the SP model, that is the strategic partnership model, is being implemented to enable participation of private Indian firms in making India in defence. Now, the strategic partnership is expected to play the role of a of a system integrator by building. building an extensive ecosystem comprising development partners, specialized vendors and suppliers. So, now basically, यहाँ पर ये मुद्दा है क्या? इस बात को समझेगा कि यहाँ पर मुद्दा basically है क्या? वापस screen पे आ जाएँ वापस। मुद्दा सुनिए क्या है? मुद्दा ये है कि under the strategic partnership, an Indian private company would provide parts, इट वुड प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सो दैट इंडिया को डेवलप इट्स ओन डिफेंस इक्विपमेंट्स वेदर इट इज़ अ मिसाइल इट इज़ अ जेट इट इज़ अ सममरीन और इट इज़ अ टैंक तो यहाँ पर ये चीज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि ये यहाँ किया जा रहा है एक ऐसा वातावरण बनाया जाएगा एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिससे कि ये पॉसिबल हो दे वुड बी एन एनवायरमेंट इन विच सच अ थिंग वुड हैपन जो कि यहाँ पर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो देखेगा कि चार सेगमेंट्स हैं जो कि इसमें आए हैं देर आर फोर सेगमेंट्स विच आर अ पार्ट ऑफ दिस वेंचर चार सेगमेंट्स हैं जो इसके पार्ट हैं उनमें से जो दो पार्ट हैं वो आपके नेवी के हैं सबमरी के हेलीकॉप्टर्स के एंड जो अदर हैं वो है आपका सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट एंड वी ऑल्सो हैव द आर्मर्ड व्हीकल जो कि यहां पर है हरविंदर सिद्धू के लिए मैं एक बार फिर बताता हूँ वापस स्क्रीन पर आ जाए वापस स्क्रीन पर आ जाए बताता हूँ रिपीट करता हूँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब क्या है इसका फॉर इंप्रूविंग दी इंडियन डिफेंस सेक्टर स्ट्रैटजीज रिक्वायर्ड एंड फॉर अ स्ट्रैटी वी रिक्वायर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक रणनीति चाहिए हमें इस चीज के लिए रणनीति क्या होगी एक प्राइवेट कंपनी होगा और एक इंडियन गवर्नमेंट होगा प्राइवेट कंपनी का नाम होगा प्राइवेट कंपनी काम करेगी एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के रूप में मतलब वो प्रोवाइड करेगी पार्ट्स उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट uh, के सरकार को सरकार उन्हें मिलाकर क्या बनाएंगी सर टैंक्स बनाएगी सबमरींस बनाएगी सिंगल इंजन जेट्स बनाएगी हेलीकॉप्टर्स बनाएगी तो ये चीज़ें वहाँ पर ये बनाएगी तो बेसिकली ये एक पार्टनरशिप है एक प्राइवेट कंपनी में और एक और एक और एक, और एक आपकी सरकार में जिससे कि जो मेक इन इंडिया का कैंपेन है उसको और बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया अगर क्लियर हो गया है तो लिख दीजिए येस सर इट इज़ पर्टिकुलर नईनी जैन मैंने अब आपको शुद्ध देसी हिंदी में बताया है इसका मतलब क्या है जीरो डॉलर मतलब होता है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना बिल्कुल सही लिख रहे हैं तो लेट्स हैव द स्टैटिक शॉट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन दिखाते हैं आपको इसका शॉट्स एंड ये रहा आपके स्क्रीन पर द शॉट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर है बेसिकली हुआ के इशूज थे इशूज हैड बीन अपसेट विद ऑफ ऑर्डर्स बाई डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर लास्ट थ्री ईयर्स टॉप कंपनीज कंप्लेन टू गवर्नमेंट अबाउट ऑल वी प्रोजेक्ट गोइंग टू द पब्लिक सेक्टर यहाँ पर उनका कंप्लेन था तो यहाँ पर चार सेक्टर बनाए गए सर जिनके नाम है हेलीकॉप्टर्स सबमरींस आर्मड व्हीकल्स एंड फाइटर जेट्स जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया टारगेट क्या है टारगेट ऑफ नाइन इंडियन कंपनीज़। नौ महीने के अंदर इन्हें इंडियन कंपनी सेलेक्ट करना है वन फॉरेन वेंडर्स आर शॉर्टलिस्टेड द इंडियन पूल वुड बी इन्वाइटेड टू प्लान कोलेबोरेशन एंड प्रेजेंट जॉइंट पर्पसेज Now, one Indian company would be allowed to participate in only one strategic partnership to avoid a monopolistic situation. देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये हमने एक सार दे दिया. We have given you a total a total synopsis of the entire discussion of the headline जो कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे कि issues क्या थे और आप policy के अंदर क्या है. इसका कृपा करके आप pick shot ले लीजिए. Because ये एक comprehensive data है. इससे बाहर इस particular headline में कुछ नहीं आएगा. No

स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज इक्वल टू इंडियन प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन इज सिस्टम इंटीग्रेटर इज इक्वल टू ओ एम ओ एम मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चर तो भारतीय कंपनी जो होंगी वो सिस्टम इंटीग्रेटर काम करेंगी मतलब वो पार्ट्स प्रोवाइड करेंगी कंपनीज को जो कि स्क्रीन पर आप देख भी रहा होगा जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा दिस इज़ अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड चलिए तो आगे बढ़े बढ़े कि ना बढ़े आगे बिकॉज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दिस इज अगेन प्रिटी डैम इंपॉर्टेंट समटाइम्स माई लिंगो फ्रॉम माई फ्रॉम माई विलेज कम्स टू द फोर सो दैट्स दैट्स ओके आई होप सो लेट्स नाउ कम टू द थर्ड हेडलाइन गाइज एंड थर्ड हेडलाइन गाइज हियर वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दैट हेडलाइन इज That line is, one second, पे आ जाएगा इट इज आई एन एस कलवरी टू जॉइन इंडियन नेवी बाय जुलाय आई एन एस कलवरी टू ज्वाइन इंडियन नेवी बाय जुलाय दैट इज वट इज ऑन द स्क्रीन आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि आई एन एस कलवरी टू जॉइन नेवी बाय जुलाय नाउ आई एन एस कलवरी आप पढ़ें अगर यहाँ पर द फर्स्ट ऑफ द सिक्स स्कॉर्पन समरीन्स बींग बिल्ट इन इंडिया अंडर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम फ्रांस इज लाइकली टू जॉइन द इंडियन नेवी बाय बाय जुलाई और अगस्त देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है अब स्कॉर्पियन क्या इसको हम डिस्कस कर लेंगे पर यहाँ पर समझिएगा ध्यान से आ,

वॉज कॉइंट वेल कलवली इज नेम्ड आफ्टर डीप सी टाइगर शाक नाउ सिक्स स्कॉर्पियंस आर बी बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव बाई माजागा विद हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच कंपनी डी सी एन एस जो कि एक नेवलशिप बिल्डर है फ्रांस के अंदर तो यहां पर ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा कलवरी इज नेम्ड आफ्टर अ डीप सी डीप सी टाइगर शार्क नंबर वन नंबर टू सिक्स स्कॉर्पियन सबमरीन्स आर बीइंग बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव पर आपको दिख भी रहा होगा एंड ये बिल्ट हो रहा है बाय द मजागांव डॉक्स विद द हेल्प ऑफ डी सी एन एस विच इज अ फ्रेंच कंपनी जो कि स्क्रीन पर आप स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे जो सेकेंड सबमरीन है आपका वो स्क्रीन पर दिख भी रहा हो आपको दैट इज खंडेरी वो भी आपका दैट हैज बीन नेम्ड आफ्टर एन आइलेंड फोर्ट ऑफ मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी एंड भी आपका लॉन्च होगा टेस्टिंग के लिए बाय जून वन टेस्टिंग के लिए आपका वो इंडक्ट नहीं होगा वो टेस्टिंग कब होगा, होगा सर आपका दैट वुड बी दैट वुड बी इंडक्टेड इन जून वन जो कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे हो सर यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं पहली चीज यहां पर ये कि आई एस कलवरी वुड जॉइन द नेवी बाय जुलाई और अगस्त नंबर वन नंबर टू इट इज नेम्ड आफ्टर डीप सी टाइगर शार्क नंबर थ्री

Now, Inus Kalvari is the first of the Indian Navy's six Kalvari class submarines being built in India. It is a diesel electric attack submarine which is designed by DCNS, French Naval Defense and Energy Company, and being manufactured at Mazagon Docks Limited in Mumbai.

तो आई होप ये चीज़ आपको अब यहाँ पर क्लियर हो गई होगी दोस्तों क्योंकि ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है ये इतना बड़ा बिल्कुल इट्स इट्स अ वेरी बिग शॉर्ट बिकॉज ये जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है दिस इज अ वेरी बिग शॉर्ट एंड ये शॉर्ट सी है क्योंकि इस पर बहुत कुछ जानकारी है हमने इंपॉर्टेंट जानकारी को सिर्फ आपको यहाँ पर दे दिया है दिस इज वॉट इज इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं कोट करूँगा सीमा बघेल को आई एन एस कलवरी प्लस इंडियन नेवी इज इक्वल टू जुलाई अगस्त सिक्स कॉर्मी सब मेड बाय फ्रांस बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव एंड सेकंड स्कॉर्पिन है आपका खंडेरी ये भी सफिशिएंट है और स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा आई होप दिस हेडलाइन इज नॉट प्रोडिक्लियर टू एवरी वन इज इम्पोर्ट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सी डी एस एल एन पीट सर दिस शो इज नॉट ओनली फॉर एस बी आई पी ओ मिस इट्स फॉर एनी एग्जामिनेशन दैट हैज़ करंट अफेयर्स दैट इज वट इज आर मकसद चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेट्स हैव द हिंदू शॉर्ट्स ऑफ दिस हेडलाइन उसको दिखा दें हम आपको एंड ये रहा आपके सामने हिंदू शॉर्ट स्काइस आइनस कलवरी इज द फर्स्ट ऑफ सिक्स स्कॉर्पियो सममरी एंड जुलाई प्रोजेक्ट जुलाई में बनेगा फिर सेवेंटी फाइव है इसका यहाँ पर एंड माजगांव डॉक्स में बनेगा मुंबई में डी कंपनी हेल्प कर रही है सेकेंड जो है वो आपका कंडेरी है चलिए बात बातें नेक्स्ट हेडलाइन पर लेट्स कम टू द वर्ल्ड पेज यस वी हैव कम टू द ट्रंपी पेज इट इज रिफर टू एज द डोनाल्ड ट्रंप ही पेज ऑह द ट्रंप पेज वी आर हर ऑन पेज नंबर ट्वेल्व एंड वापस स्क्रीन पे आ जाए एंड बाबा जी को ले आए ओके okay, आएगा कुछ देर में uh, अगर हम यहाँ बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ डोनाल्ड ट्रंप हैज कॉइंड अ न्यू टर्म तो मैं उसको पहले आपको दिखा दूं उस टर्म को क्योंकि वो इस पेज पे नहीं है वो टर्म स्टार्टिंग में है आपका एंड दैट टर्म गाइज दैट टर्म गाइज इज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इट मीन्स नथिंग दिस इज अ टर्म स्क्रीन पर आपके आ जाएगा ट्रंप क्रिएट्स ट्विटर कॉफ वीफ दिस इज़ whatever दैट इज़ अ वर्ड दैट इज कॉवी फीफ आई एम अनएबल टू प्रोनाउंस बट इसको एक बार देख लीजिएगा इसका मीनिंग क्या है तो so उन्होंने एक नया टर्म बनाया इसका नाम क्या है दैट इज वाट इज कॉव वी फीफ दैट इज वाट इज अ टर्म चलिए वापस आते हैं स्क्रीन हम ट्वेल्व पर एंड बाबा जी भी यहाँ पर होंगे कि भैया क्या टर्म दे दिया आपने हम भी जाके पढ़ेंगे कि ये टर्म है क्या ओके नाव लेट्स कम टू द हेडलाइन हेडलाइन यहाँ पर है दैट इज एलेग्जेंडर वुसीक और एलेग्जेंडर वुकीक सुन इन एज सर्बियन प्रेजिडेंट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एलेग्जेंडर वुकी वुसीक हैज सुहोन इन एज अ सर्बियन प्रेजिडेंट मैं फिर से नाम नहीं लूंगा इनका दिस uh, गाय हैज़ वोन इन एज सर्बियाज प्रेजिडेंट ऑन वेंसडे प्लेजिंग टू वर्क फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वॉर वियरी बालकन बालकन्स इज़ द एरिया इन विच वी हैव दिस पर्टिकुलर कंट्री सर्बिया तो सर्बिया के अब यहाँ पर बने हैं नए ना बने हैं एक प्रेजिडेंट का नाम है एलेक्जेंडर उसी जो कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे इसका दिखा दें अब आपको हम स्टार्टिंग शॉर्ट्स क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट इम्पोर्टेंट है बाकी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है सो लेट शो यू द स्टार्टिंग शॉट बाबा जीव ने कहा कि मैं ढूंढूंगा वॉट इज द मीनिंग सो बाबा जी आप बिल्कुल मैं कहाँ हाथ कर रहा हूँ बाबा जी बिल्कुल आप ढूंढिए कि एक कॉफीफ का मीनिंग क्या है और आप हमें बताएं कल के शो में चलिए लेट्स हैव द स्टार्टिंग शॉर्ट्स ऑफ द हेडलाइन बाबा जी जाएंगे नहीं सर्बिया इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू बेलग्रेड इज इक्वल टू करेंसी इज इक्वल टू दिनार इज इक्वल टू प्रेजिडेंट जो कि हैं एलेग्जेंडर वकीक ये स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे आ, आ, याद रखिएगा कि कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है साथ साथ प्रेजिडेंट कौन है ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पार्ट पे इसी का दिखा दे हम आपको अब आप हिंदू शॉर्ट जो कि काफी सिंपल सा है आपके स्क्रीन पर अब आ जाएगा कुछ ही देर के अंदर एंड ये रहा दिस इज व्हाट इज द हिंदू शॉर्ट्स किस इक्वल टू तो प्रेसिडेंट सर्बिया उन्होंने किया है कि पीस रहेगा रहेगा इस पर्टिकुलर एरिया में चलिए अब बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स कम टू द सेकेंड हेडलाइन ऑफ दिस पेज द सेकेंड हेडलाइन वी हैव इज ईरान कैंसल्स प्रोजेक्ट टू सेंड ह्यूमन इन टू स्पेस सेकेंड हेडलाइन वो ये रही आपके सामने ईरान Cancels project to send humans into space. Now, the Iranian Space Agency, uh, which was pretty certain that it would send its human astronauts uh, in the outer space by 2018, has cancelled its own project. Uh, ईरान की जो स्पेस एजेंसी है उसने कहा था कि 2018 में वो ह्यूमंस को भेजेंगे स्पेस में पर अब उन्होंने उनको भेजने के लिए मना कर दिया बिकॉज देव कैंसल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट इज पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जनवरी 2013 में उन्होंने एक बंदर को दे हैड सेंड अ मंकी टू द आउट ऑफ स्पेस इन जैन टू सो दे वर देर कंसर्न कि अगर बंदर चले गए तो ह्यूमन तो चले ही जाएंगे ऐसा उनका मानना था पर ऐसा होता नहीं है सो ईरान हैज कैंसल इस प्रोजेक्ट टू सेंड ह्यूमन इन स्पेस वापस स्क्रीन पर आ जाए ना इंटरेस्टिंगली इसरो which is the indian agency of space isro has requested the government to make them to provide them 4 billion us dollars and if they provide these this particular amount the isro is pretty certain that it would send humans into the outer space and in fact ऑन द मून एज वेल तो उनका ये भी मानना है कि अगर हमें आप चार बिलियन यू ए डॉलर दे दें तो बिल्कुल वहां पर आप हम इंडियंस को भी हम इंडियन ऑस्टोनॉट्स को भी इस पेस में पहुंचा देंगे जो कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है नाउ लेट शो यू द स्टार्टिक शॉर्ट्स ऑफ दिस हेडलाइन दिखाते हैं आपको हम इसका स्टार्टिक शॉर्ट और फिर हम आगे बढ़ेंगे टू आर नेक्स्ट डिस्कशन दिखाते हैं द स्टैटिक शॉर्ट ईरान इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू तेहरान करेंसी इज इक्वल टू रियाल प्रेसिडेंट इज इक्वल टू हसान रूहानी स्पेस एजेंसी इज इक्वल टू ईरानियन स्पेस एजेंसी स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा ईरान इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू तेहरान इज इक्वल टू करेंसी रियाल प्रेसिडेंट है इसके हसन रूहानी और स्पेस एजेंसी जो नाम उसका नाम है ईरानियन स्पेस एजेंसी जो कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं नाउ लेट्स और हिंदू शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन दिखाते हैं आपको कि इसका हिंदू शॉट्स क्या है चलिए ईरान इज इक्वल टू कैंसल ह्यूमन स्पेस इज इक्वल टू टू थाउजेंड थर्टीन इज इक्वल टू मंकी इज इक्वल टू ह्यूमन टारगेट मिशन इज इक्वल टू ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे चलिए अब आते हैं हम पेज नंबर थर्टीन पर लेट्स कम टू पेज नंबर थर्टीन इस पर हम आ गए हैं यहाँ पर दिस इज वॉट इज द बिजनेस पेज ओके विशाल शर्मा इंजेक्शन बिल्कुल आएगा बिल्कुल परेशान हो अभी फोकस करें इस करंट अफेयर्स पर ओके लेट्स शो यू द हेडलाइन गाइस ये पेज नंबर फोर थर्टीन पर है दैट इज द बिजनेस पेज एंड लेट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हेडलाइन दैट इज विनय दुबे नेम्ड जेट एयरवेज सीईओ जेट एयरवेज विच इज द सेकेंड बिगेस्ट एयरवेज आफ्टर इंडिगो इन इंडिया दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू सी ई उनका नाम है मिस्टर विनय दुबे जो कि स्क्रीन पर आप देख भी रही हैं यू ऑल नो द चेयरमैन ऑफ जेट एयरवेज इज इज नरेश अग्रवाल बट सॉरी नरेश गोयल माफ कीजिएगा बट दी ईओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ जेट एयरवेज इज मिस्टर विनय दुबे सुलद साहब द हिंदू शॉर्ट्स इसका जल्दी से फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पर Uh, ये सिंपल सा है कि जेट एयरवेज जो है जो कि इंडियन एयरलाइंस है उसके बने हैं नए सी उनका नाम है विनय दुबे जिसका कि आप हिंदू शॉर्ट भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं ये रहा आपका हिंदू शॉर्ट्स इनके हैं आपके मुंबई के अंदर अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे लेट्स नाट प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर दिस लेट्स कम टू पेज नंबर 16 वी आर अच्छा सिमिलरली टुडे द चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ क्रिकेट

The King of England. Well, not so at this point of time, but yes. Man U. Manchester United have been rated as Europe's most valuable club. MU has been rated as Europe's most valuable club by a new report into the finally into the financial muscle of the of the continent's top teams. The report by KPMG looked at the finances of the 39 clubs based on their popularity on social media. Uh, and on uh, different channels, revenues for the 2014, 15, 16 seasons, and success in European competitions. despite the two relatively responding seasons, MU that is Manchester United has, has been rated as the top most or the most valuable club in Europe. They have, It is the first club to break the $3 billion dollar, थ्री बिलियन यूरो मार्क फॉर एंटरप्राइज़ वैल्यू जो कि एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चीज़ में जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दैट इज अगेन प्रिटी प्रिटी इम्पोर्टेंट चलिए तो वापस आएंगे हम स्क्रीन पर और अब हम चलेंगे अपने इम्पोर्टेंट हेडलाइंस पर एंड फिर हम आगे आ जाएंगे वन सेकेंड These are the important headlines guys. Uh, 1, 3, 11, 12, 13, 16. To understand football you have to actually be passionate about football. One थ्री इलेवन ट्वेल्व थर्टीन सिक्सटीन दीज आर वाट आर द पेज नंबर इसको नोट डाउन कर लीजिए और अब चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स पर लेट्स नाउ गो टू द इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग टर्म्स ये रहे आपके टर्म्स जी डी पी जी वी ए स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप स्कॉर्पीन एम यू एंड यू एन ओ डी सी दीज आर वॉट आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द डे आई गिव यू फाइव सेकेंड्स इसको आप नोट डाउन कर लें क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आज के पेपर में बढ़ते हैं आगे लेट्स नाउ कम टू दी हेडलाइंस चलिए स्क्रीन पे आपके आ जाएंगे लेट्स नाउ कम टू द हेडलाइन ये है स्क्रीन पे मुझे हटा दिया जाए इंडिया इज़ नो लॉन्गर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनमी पंजाब यू एन ज्वाइन हैंड्स टू फाइट ड्रग मैनेस इंडिया स्पेन कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल टेक्स इफेक्ट एंड आइन एस कलवरी टू जॉइन नेवी बाय जुलाई ये यहाँ पर फाइव आपके इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट uh, हेडलाइंस uh, हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे नाउले एम यू इज मैनचेस्टर यूनाइटेड इट इज अ वेरी फेमस क्लब अराउंड द वर्ल्ड चलिए अब आते नेक्स्ट पेज पर श्री श्री लक्ष्मी सिरी वेल यू ज्वाइन दिस लेट वी डिस्कस्ड अबाउट यू एन वो डी सी इन डिटेल प्रीवियसली Uh, Alexander Vukic sworn in as Serbian president. Iran cancels project to send humans into space. Good for them. Vinay Dubey, named JTV CEO. And now let's come to the last headline. Man, you rated Europe's most valuable club, Ye our last And now I hope everybody is all set for the quiz. I hope everybody is now all set for the quiz. And let's start with the quiz. What is the India's rank in women's workforce as per recently released India Development Report or World Bank? That is, par hai. and the answer? The answer is it is 1 /20th. Next question. When is the World No Tobacco Day celebrated? Kaun se?

Punjab National Bank. Next question. Which IIT Institute has developed soil-to-soil -soil technology to manufacture cheaper, quicker, and pollution-free biofuel? Cause IIT Institute developed soil-to-soil technology to manufacture cheaper, quicker, and pollution-free biofuel? And the answer? The answer is it is IIT Kharagpur Next question. अमूल है साइन एमओ यू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर फर्डर ए क्रिएट एस्टिमेशन यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी किस uh, किस संस्था के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन uh, के साथ अमूल ने एमयू साइन किया है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए आसान सवाल है एंड द आंसर द आंसर इज इट इज इसरो नेक्स्ट क्वेश्चन विथ सिटी टू होस्ट टू जीरो वन सेवन इंडिया मोबाइल कांग्रेस कौन सा आपका होस्ट करेगा द इंडिया मोबाइल कांग्रेस सवाल हमारा यहां पर यह हैथ स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च महा स्वयं पोर्टल फॉर जॉब सीकर एंड इंप्लाइज कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महास्वय पोर्टल को एंड दी आंसर दहाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनम टंकविस्टर है कौन कौन स्टैंटी नोस मिथ्सोटाकिस हु पास्ट वे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर पी एम ऑफ विच कंट्री कौन से देश के ये भूतपूर्व या पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया एंड दी आंसर द आंसर इज इट इज ग्रीस ये ग्रीस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वॉट इज आर मैसेज ऑफ द डे ये मैं चाहूँगा आप सब करें <coughs> शो के बाद बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वुड मेक यू फार्म बेटर इट वुड काम यूर माइंड जिनका एस बी आई पी ओ मींस है जिनका दिना बैंक है जिनका कुछ भी नहीं है दिस वुड मेक काम यूर माइंड फॉर वन मिनट वॉक आउटसाइड स्टैंड देयर इन साइलेंस लुक अप एट द स्काई एंड कंटम्पलेट हाउ अमेजिंग लाइफ इज सिंपल मैसेज सर एक मिनट समय निकालिए अपने घर के बाहर जाइए छत पर जाइए स्टैंड देयर इन साइलेंस लुक अप एट द स्काई एंड जिस थिंक हाउ अमेजिंग लाइफ इज दैट इज वॉट इज़ अ मैसेज ऑफ द डे गाइज विद दिस वी कम टू अंड एंड टू अ डिस्कशन ऑफ द हिंदू पेपर एनालिसिस यू ऑल आर ग्रेट थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट टू अस एंड वी यू इंश्योर एंड वी वुड होप दैट वी कंटिन्यू टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल थिंग पॉसिबल Uh, this is Kushpane signing out from the show. Peace out. 24-7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and HSE exams. View, study and prepare anytime and anywhere now government job in your pocket.